उत्तर प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों का सर्दी से बुरा हाल और घरों में दुबके रहने को मजबूर। हालांकि कल दोपहर के समय धूप निकली जिसके बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिली, लेकिन शाम को ठंडक ने फिर शरीर को कपा दिया। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में अभी ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। आज सुबह भी प्रदेश के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। IMD की भविष्यवाणी की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट तो कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट ठंड को लेकर जारी किया है। वहीं कई जिलों में DM ने स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी है। लखनऊ DM ने भी 27 जनवरी तक स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आदेश दे दिया है और स्कूल में बच्चे गर्म कपड़े पहनकर आएं और क्लास में रूम हीटर लगाने के भी आदेश दिए हैं। बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बदायूं के लिए रेड अलर्ट। गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, हाथरस और अलीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ऐसे में अपना और अपने घर वालों का इस बढ़ती हुई ठंड में ध्यान रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।